नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में iQOO Neo 9 5G वर्सेस Realme GT 6 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Neo 9 में 6.44 इंच जबकि GT 6 में 6.38 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Neo 9 से कम है। विड्थ की बात करें तो Neo 9 में 2.98 इंच जबकि GT 6 में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Neo 9 से कम है। अब बात करते हैं वेट की तो Neo 9 में 190 ग्राम जबकि GT 6 में 199 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Neo 9 से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Neo 9 में AMOLED जबकि GT 6 में LTPO AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Neo 9 में 20:9 जबकि GT 6 में 19:8:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Neo 9 में 1260x2800px FHD+ प्लस और GT 6 में 1264x2780px FHD+ प्लस मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Neo 9 में 89.68% जबकि GT 6 में 91.22% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Neo 9 में 453 पिक्सेल प्रति इंच जबकि GT 6 में 450 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Neo 9 में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और GT 6 की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Neo 9 में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और GT 6 की बात करें तो उसमें 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Neo 9 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और GT 6 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Neo 9 में Adreno 740 जबकि GT 6 में Adreno 735 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Neo 9 में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 और GT 6 में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 मिलता है। बात करें RAM की तो Neo 9 में 12GB की RAM मिलती है जबकि GT 6 में 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB, 12GB, 16GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Neo 9 में 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि GT 6 में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 256GB, 512GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी Neo 9 में 5160 mAh जबकि GT 6 में 5500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Neo 9 में 3 कलर्स जबकि GT 6 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Neo 9 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 12 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 26,890 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें GT6 की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 40,999 रुपीस, 12 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 42,999 रुपीस, 16 गीगाबाइट रैम 512 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 44,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो iQOO Neo 9 5G में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme GT6 5G की तो उसमें 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Neo 9 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme GT Neo 6 5G है, दूसरा Realme GT 5 Pro 5G है, तीसरा Vivo V 45G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo S 19 Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।